तुम्हारा देश टूट गया है, अब तुम पाकिस्तान में नहीं बांग्लादेश में हो। As we all know, the competition is in Dhaka. We should do a play on 1971, Dhaka Fall. बिना वजह की कंट्रोवर्सी हमें नहीं चाहिए। हिस्ट्री बताना आप लोगों का काम नहीं है। This is how a youth is trying to be different and creative by being controversial. आजाद जिंदगी गुजारते हुए आज के नौजवान सिर्फ जीत की बात करना चाहते हैं। तुम्हारा मतलब है हम बांग्लादेश जाकर फिर से ये बताएं कि हम कितनी बुरी तरीके से हारे थे। इन बातों का कोई फायदा नहीं है बेटा, तुम्हारे बाबा तुम्हें बांग्लादेश नहीं जाने देंगे। I'm strong. I can do this. किसका आइडिया था ये? Students should pay for their non-seriousness. तुम लोग का आर्ट और कल्चर से क्या नाता है? तुम तो टेररिज्म एक्सपर्ट है। कैसा लगा आप लोगों को हमारा ढाका? आप लोगों को शायद इसकी आदत ना हो, मगर यहाँ पर सब मिलकर ही रहता है। यार ये जो मिस पाकिस्तान है बिल्कुल हमारे मिस्टर इंडिया जैसी है, अचानक से गायब हो जाती है। मुझे अटके पूरे पाकिस्तानियों से मिलना है। हम तो पाकिस्तान में ही थे बेटा, ईस्ट पाकिस्तान। फिर जंग झड़ गई। इन 50 साल में हमने उस जंग को याद रखने के लिए कितने मॉन्यूमेंट्स और मेमोरियल बनाए, और वो जीते जागते लोग जो आज भी कोलैटरल डैमेज है उनका कोई जिक्र ही नहीं। आज बलूचिस्तान में जो भी हो रहा है ये उसी कॉन्फिडेंस का नतीजा है जो इंडिया को अपनी पिछली चाल की कामयाबी और हमारी खामोशी से मिला है। साले जासूस हो तुम लोग। तुम कहाँ जाती हो सबसे चुपकर? It's not going to be an easy trip. पता है क्या रंग लाई है वो लड़ाई जिसका बीज तुमने बोया था, और फसल आज तक वो इनोसेंट लोग काट रहे हैं जो तब भी मिलकर रहना चाहते थे और आज भी। एक जैसा ही प्यार निकलेगा, दिल की ले लें तलाशियां दोनों। एक गलती हुई किसी से भी मांग लेते हैं माफियां दोनों।